नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 अक्टूबर रविवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के विभिन्न एजेंसियों के एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन को सबसे अधिक सीटें मिलती नजर आ रही है, लेकिन वह बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर है, इसलिए वहां गठबंधन सरकार बनने के आसार नजर आ रहे हैं। हरियाणा की 90 सीटों वाली विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में सभी एजेंसियों ने कांग्रेस की 10 वर्ष के बाद सत्ता में वापसी का अनुमान व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी को इन सभी पोल से बहुमत से काफी दूर बताया गया है। ध्रुव रिसर्च ने कांग्रेस को 50 से 64, भाजपा को 22 से 32, अन्य को 2 से 8 और आप को 0 सीट दी है। पीपल्स प्लस के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 49 से 61, भाजपा को 20 से 32, अन्य को 3 से 5 और आपको 0 सीटें मिलती नजर आ रही है। रिपब्लिक भारत मैटिस के पोल में कांग्रेस को 55 से 62, भाजपा को 18 से 24, INLD को 3 से 6 और जजपा को 0 से 3 सीट दी है। पोल में कांग्रेस को 44 से 54, भाजपा को 15 से 29, INLD को 1 से 5 और जजपा को 1 सीट मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। बूंदी पुलिस ने शनिवार को बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के पास से चोरी की 23 बाइक बरामद की है। बदमाशों ने बूंदी और कोटा जिले में अलग अलग जगहों पर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। SP राजेंद्र कुमार मीना ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से बूंदी में लगातार बाइक चोरी की वारदातें बढ़ने लगी। इसके चलते लोगों को हरदम बाइक चोरी होने का डर सताने लगा। बदमाश सुरक्षित माने जाने वाली जगहों पर भी बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने लगे। इसके चलते बाइक चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए ASP उमा शर्मा के सुपरविजन में सदर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित कर प्रभावी कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 23 चोरी की बाइक बरामद की है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में शनिवार को पर्यटकों से भरी जिप्सी पलट गई, जिसमें 4 विदेशी पर्यटक घायल हो गए। 2 पर्यटकों को हल्की चोटें आई है, वहीं 2 को गंभीर चोटें आई है। हादसे के बाद वन अधिकारी पर्यटकों को रणथंभौर सेविका अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां फिलहाल पर्यटकों का उपचार किया जा रहा है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व DFO पर्यटन प्रमोद धाकड़ ने बताया कि जोन नंबर 7 में शाम की पारी में ऑस्ट्रेलिया के 5 पर्यटक घूमने गए थे। सफारी के दौरान अचानक जिप्सी में एक सांप आ गया, जिससे ड्राइवर हड़बड़ा गया और जिप्सी अनियंत्रित हो गई। जिप्सी के अनियंत्रित होने से जिप्सी पलट गई। जिप्सी पलटने से 4 पर्यटक घायल हो गए, जिसकी सूचना ड्राइवर व गाइड ने वन विभाग को दी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को रणथंभौर सेविका अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल पर्यटकों का उपचार जारी है। भरतपुर के भुसावर में बैंक लूटने के मकसद से एक नकाबपोश PNB की शाखा में घुसा। उसने मैनेजर पर देसी कट्टा तान दिया। इस दौरान डिप्टी मैनेजर के पैर से हुटर दबा दिया। इससे आरोपी घबरा गया। उसका दूसरा साथी बाइक लेकर बाहर खड़ा था। भीड़ देख अंदर घुसे बदमाश ने भागने की कोशिश की। ग्रामीणों की मदद से स्टाफ ने उसे दबोच लिया, जबकि दूसरा बाइक छोड़कर फरार हो गया। घटना शनिवार दोपहर 3:15 बजे भरतपुर के भुसावर कस्बे के गांव पाचरण में हुई। भुसावर थाना इंचार्ज सुनील कुमार गुप्ता ने बताया, पकड़ा गया बदमाश हरिराम गुर्जर पुत्र राम अवतार है। वह सलेमपुर के लांगीपुरा गांव का रहने वाला है। उसका साथी फरार हो गया। दोनों के पास कट्टे थे। देसी कट्टा लेकर हरिराम बैंक में घुस गया। उसने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। जयपुर में गवर्नमेंट टीचर के पद पर जॉब लगाने का झांसा देकर 6.5 लाख रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। छात्री ने राजस्थान सरकार के मंत्रियों व अधिकारियों से सीधे सेटिंग होना बताया। फॉर्म भरकर व्हाट्सएप पर भेजने को कहा। जवाहर नगर थाने में पीड़ित ने आरोपी परिचित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। हेड कांस्टेबल राम बाबू ने बताया, जवाहर नगर निवासी महेंद्र कुमार महावर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। परिचित होने के कारण आरोपी सतीश से बातचीत होती रहती थी। बातचीत के दौरान आरोपी सतीश के पूछने पर महेंद्र ने बताया, उसकी पत्नी BA/BEd कर रखी है। पत्नी के एजुकेशन का पता चलने पर आरोपी ने कहा, जनवरी 2021 में टीचर की वैकेंसी निकली है, तुम्हारी पत्नी का फॉर्म भरवा कर मुझे व्हाट्सएप कर देना। राजस्थान सरकार के मंत्रियों व अधिकारियों से सीधे सेटिंग है, सरकारी टीचर की नौकरी लगवा दूंगा। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा राज्य में होने वाले उपचुनावों को लेकर पूर्ण रूप से तैयार है। राठौड़ ने शनिवार को पत्रकारों से कहा कि पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में लगा दिया है। पार्टी हर कार्यकर्ता को काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता के ध्येय वाक्य पर निरंतर कार्य कर रही है। ऐसे में संगठन स्तर पर आगामी सभी विधानसभा उपचुनावों को लेकर रणनीति तैयार कर ली है। भाजपा अपनी सीट पर 2 जीत दर्ज करेगी ही, कांग्रेस से उनकी सीट भी छीन लेगी और सभी 7 सीटों पर कमल खिलेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गलत सूचना, सनसनीखेज और राष्ट्र विरोधी बयानों से उत्पन्न खतरों पर चिंता व्यक्त करते हुए मीडिया से इन खतरों का मुकाबला करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने का आह्वान किया है।
धनखड़ ने शनिवार को यहां एक समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि गलत सूचना और सनसनीखेजदार राष्ट्र के ताने बाने को नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति ने संपादकीय स्थान को लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में काम करना चाहिए और प्रौद्योगिकी के युग में जिम्मेदार रिपोर्टिंग की आवश्यकता है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का रविवार नाथ द्वारा शहर का दौरा रहा। इस दौरान गहलोत ने पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचकर श्री जी प्रभु के मंगला झांकी के दर्शन किए। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत सड़क मार्ग से नाथ द्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंदिर के मोती महल दरवाजे से मंदिर में प्रवेश किया व मंदिर में श्री जी प्रभु के मंगला आरती के दर्शन कर देश के समृद्धि व खुशहाली की कामना की। दर्शन के दौरान राज्यपाल गहलोत ने मंदिर में ही कृष्ण भंडार के अधिकारी सुधाकर शास्त्री सहित अन्य अधिकारियों से चर्चा की। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के नाबालिग बेटे के गाड़ी ड्राइव करते हुए रील बनाने पर उठे विवाद पर अब पार्टी बचाव में उतर आई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और मंत्री किरोड़ी लाल मीना ने बैरवा का बचाव करते हुए कहा कि उनके बारे में अफवाहें फैलाकर कुछ लोग राजनीति को दूषित कर रहे हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के नाबालिग बेटे के गाड़ी ड्राइव करते हुए रील बनाने और पुलिस एस्कॉर्ट करने पर हुए विवाद पर मदन राठौर ने कहा, बच्चे को लेकर जो था वह मामला हमने खत्म कर दिया है। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि न तो उन्होंने कोई गाड़ी खरीदी, किसी दोस्त की गाड़ी थी उसमें वह बच्चा बैठ गया। मेरी प्रेमचंद जी से बात हुई थी, हमने इस मामले को ड्रॉप कर दिया। वह प्रकरण लंबा भी नहीं, मैं समझता हूँ इसको ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं, वह मामला समाप्त हो गया है। राजस्थान के कोटा मंडल में वंदे मेट्रो यानी नमो भारत रैपिड ट्रेन का ट्रायल शुरू हुआ। इसमें 50 किलोमीटर ट्रैक पर ट्रेन को 145 की रफ्तार से दौड़ाया गया। यात्रियों के वजन के बराबर 16 कोच में 24.7 टन वजन रखकर लोडेड सिचुएशन का टेस्ट भी किया गया। ये ट्रायल अनुसंधान अभिकल्प मानक संगठन लखनऊ टीम मंडल के परिचालन विभाग के सहयोग से किया गया, जो अगले 15 दिन तक कोटा मंडल के ट्रैक पर आयोजित किया जाएगा। पहले भी कोटा मंडल में ही वंदे भारत 18 एवं 20 कोच रैक का 180 किलोमीटर प्रति घंटा पर सफल ट्रायल किया गया था। वरिष्ठ वाणिज्यिक मंडल प्रबंधक रोहित मालविया ने बताया, इस मेट्रो रैक का 5 अक्टूबर को अप दिशा में कोटा से महिदपुर रोड स्टेशन तथा डाउन दिशा में महिदपुर रोड से शामगढ़ स्टेशन के बीच 2 फेरे लगाकर अलग अलग रफ्तार परीक्षण किया गया। चूरू जिला परिवहन विभाग की ओर से शनिवार को 8 बसों पर ऑनलाइन चालान करने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही में एक बस को सीज भी किया गया। यह बस पिछले 5 साल से बिना फिटनेस, बिना इंश्योरेंस, बिना टैक्स व बिना परमिट के ही चल रही थी, जिनको शनिवार दोपहर डीटीओ इंस्पेक्टर रोबिन सिंह ने कार्रवाई करते हुए सीज कर दी है। इंस्पेक्टर रोबिन सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से 8 बसों पर कार्रवाई की गई, इसमें करीब 5 लाख रुपए का रेवेन्यू आएगा। उन्होंने बताया कि एक बस का सीज भी किया गया है, जो प्राइवेट बस यूनियन अध्यक्ष रणवीर कस्बा की है। यह बस चूरू सरदार शहर रूट पर चलती है। यह बस पिछले साल से बिना परमिट, बिना इंश्योरेंस, बिना फिटनेस व बिना टैक्स के चल रही थी। इस बस से करीब 3 लाख रुपए का रेवेन्यू प्राप्त होगा। कर्नाटक के उडुपी जिले में ओवरहेड टैंक का पानी पीने के बाद 500 लोग बीमार हो गए। घटना जिले के उपमुंडा की है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आपी गदाद ने बताया कि 500 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सभी को उल्टी, दस्त, पेट दर्द की समस्या है। हालांकि किसी की भी हालत गंभीर नहीं है। पानी में साल्मोना बेसिलरी स्ट्रेन पाया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी एक दिवसीय दौरे पर आज रविवार को बांसवाड़ा आएंगे। कार्यक्रम के मुताबिक केंद्रीय मंत्री प्रधान सुबह 10 बजे दिल्ली से रवाना होकर 11:20 बजे उदयपुर पहुंचेंगे। यहां से वो सड़क मार्ग से होते हुए दोपहर 2:30 बजे बांसवाड़ा सर्किट हाउस आएंगे। इसके बाद वो रात्रि विश्राम भी बांसवाड़ा करेंगे। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम धाम में विशेष सेवा पूजा व तिलक होने के कारण श्रद्धालुओं के लिए दर्शन बंद रहेंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि 9 अक्टूबर को श्री श्याम प्रभु के विशेष सेवा पूजा व तिलक होने के कारण श्री श्याम प्रभु के दर्शन 8 अक्टूबर रात 10 बजे से 9 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान मंदिर के पट बंद रहेंगे। बाबा श्याम के भक्त दर्शन करने के लिए 9 अक्टूबर शाम 5 बजे के बाद ही दर्शन करने पहुंचे। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर ने शनिवार को अपने जयपुर निवास पर मथुरा दास माथुर मेमोरियल पोलो कप सीजन 5 की ट्रॉफी का अनावरण किया। यह पोलो कप की शुरुआत 2020 में स्वर्गीय मथुरा दास माथुर की स्मृति में विशाल माथुर की ओर से शुरू किया गया था। इस बार यह राजस्थान पोलो ग्राउंड पर 26 अक्टूबर को आयोजित होगा। इस साल का प्रदर्शनी पोलो कप के सीजन 5 का आयोजन 26 अक्टूबर शनिवार को राजस्थान पोलो क्लब जयपुर में किया जाएगा। पोलो कप के साथ दर्शक सुधीर कसलीवाल की फोटो एग्जीबिशन और फैशन शो का भी लुत्फ उठा सकेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।